अग्नि 5 की भयंकर ताकत से दहल जाते हैं चीन पाकिस्तान। लेकिन अमेरिका ने किया चीन का हलक सुखाने वाला खुलासा। भारत तैयार कर रहा अग्नि 5 से दोगुनी घातक अग्नि 6 मिसाइल। दोस्तों, भारत के हथियारों के जखीरे में बेहद भयानक वेपन्स शामिल हैं, लेकिन इनमें से अग्नि सीरीज की मिसाइलें बेहद घातक मानी जाती हैं। इसकी वजह ये है कि ये मिसाइलें परमाणु हमला करने में सक्षम हैं। इनमें से अग्नि 5 सबसे ताकतवर मिसाइल है, जिसकी जद में बीजिंग और पूरा पाकिस्तान आता है। इस मिसाइल को चीनी किलर मिसाइल कहा जाता है। भारत ने इसे MIRV तकनीक से लैस किया है, जिसकी वजह से मिसाइल एक साथ कई टारगेट को तबाह कर सकती है। जब चीन अपनी हद से आगे बढ़ने की कोशिश करता है, तब भारत इस मिसाइल का धमाका करके उसे अपनी ताकत दिखा देता है, जिसके बाद चीन की सारी अकड़ बाहर आ जाती है। चीन भारत की लगातार बढ़ रही रक्षा क्षमताओं को लेकर रोना पीटना मचाता रहता है। लेकिन अमेरिका ने कुछ ऐसा खुलासा कर दिया है, जिसके बाद उसकी बेचैनी बढ़ गई है। दरअसल भारत अग्नि 5 से भी घातक अग्नि 6 मिसाइल बनाने में जुट गया है, जबकि अमेरिकी सीक्रेट एजेंसी का दावा है कि भारत इस मामले में इतना आगे जा चुका है कि वो 2027 तक इसकी तैनाती कर देगा। चीन का चप्पा चप्पा इसकी जद में आएगा। भारत के इस सबसे खतरनाक हथियार की घातक तकनीक और क्षमताओं को जानने के लिए वीडियो को पूरा देखिए। अग्नि 6 को लेकर भारत कर रहा बेहद सीक्रेट तरीके से काम। इंटरनेशनल सेटलमेंट के साथ किया जाएगा इसका भयंकर टेस्ट। जमीन से लेकर सबमरीन से भी आसानी से की जा सकेगी लॉन्च। भारत अब दुनिया की महाशक्ति बन चुका है। वो दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी इकोनॉमी है, जबकि वो दुनिया की सबसे ज्यादा आबादी वाला देश भी है। वो सुरक्षा परिषद में वीटो पावर के लिए भी संघर्ष कर रहा है, जिसे जबरदस्त समर्थन भी मिल रहा है। भारत वैश्विक राजनीति में अपनी धमक बढ़ाने के लिए अब ऐसे हथियार अपने जखीरे में शामिल करना चाहता है जो पूरी दुनिया में शांति कायम करने में सक्षम हो। इसके लिए जरूरी है न्यूक्लियर पावर से लैस इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइलें। भारत के जखीरे में अग्नि 5 एकमात्र इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल है, जिसकी भयंकर ताकत के आगे दुनिया कांप उठती है। भारत का दावा है कि ये मिसाइल 5000 किलोमीटर की मारक क्षमता रखती है, लेकिन चीन का दावा है कि भारत की अग्नि 5 की रेंज 8000 किलोमीटर है। चीन ये दावा इस वजह से कर रहा है क्योंकि भारत जब भी कोई मिसाइल टेस्ट करता है, तो चीन उस मिसाइल की तमाम क्षमताओं को जानने के लिए सीक्रेट तरीके से उसकी निगरानी करता है। अब आप सोच रहे होंगे कि अगर भारत की मिसाइल की रेंज 8000 किलोमीटर की है, तो वो इसे कम क्यों बताता है? तो इसके पीछे भारत की वैश्विक रणनीति है। भारत अपने हथियारों की सीक्रेट किसी को शेयर नहीं करना चाहता है, क्योंकि इससे दुश्मन इसका डिफेंस तैयार कर सकता है। जबकि ज्यादा रेंज की मिसाइलों की वजह से अंतर्राष्ट्रीय दबाव भी बढ़ जाता है। जब भारत ने पहले परमाणु टेस्ट किया था, तो लंबे वक्त तक भारत को तमाम प्रतिबंधों को झेलना पड़ा था, लेकिन अब भारत ने वैश्विक राजनीति में जबरदस्त पैठ बना ली है। फिर भी मिसाइल टेस्ट के बाद अमेरिका सहित यूरोप प्रतिबंधों का दबाव जरूर बनाएंगे। इसी वजह से भारत अपनी अग्नि 6 को सीक्रेटली तैयार कर रहा है, जो कई मामलों में अग्नि 5 से बेहद एडवांस है। इसकी मारक क्षमता तो भयानक है ही, लेकिन ये बेहद पतली होगी, जिसकी वजह से इसे कहीं भी तैनात करने में बेहद आसानी होगी। इसकी तमाम तकनीकियों और क्षमताओं को हम ग्राफिक्स के जरिए समझते हैं। अग्नि 6 मिसाइल को MIRV तकनीक से लैस किया गया है। इसका मतलब है कि ये मिसाइल एक साथ कई परमाणु हथियारों के अलग अलग लक्ष्यों पर हमला कर सकती है। इसकी रेंज 10,000 किलोमीटर से भी ज्यादा होगी, जिससे भारत, अमेरिका, यूरोप और ऑस्ट्रेलिया जैसे देशों में भी जरूरत पड़ने पर हमला करने में सक्षम हो जाएगा। वैश्विक ताकत बनने की दिशा में ये बहुत बड़ा कदम होगा। इस मिसाइल में कामयाबी के बाद यूरोप, अमेरिका का भारत के लिए नजरिया बदल जाएगा। मतलब पूरी दुनिया के दिलों में भारत की ताकत की धमक कायम हो जाएगी। इस मिसाइल को कई प्लेटफॉर्म से लॉन्च किया जा सकेगा, जिससे इसे छुपाने और दुश्मन से बचाने में भी आसानी होगी। आधुनिक नेविगेशन तकनीक और एडवांस गाइडेड सिस्टम का इस्तेमाल करने की वजह से अग्नि 6 दुश्मन के ठिकानों पर अत्यधिक सटीकता से वार करने में सक्षम है। ये प्रिसीजन अटैकिंग की क्षमता से लैस है। ये मिसाइल 3 टन तक का पेलोड ले जा सकेगी। 3 टन के परमाणु हथियार का मतलब है कि दुश्मन देश में शहर का शहर खाक में मिल जाएगा।
ये मिसाइल जमीन के साथ साथ सबमरीन से भी लॉन्च की जा सकेगी। इस मिसाइल तमाम अंतर्राष्ट्रीय दबावों से बचने के लिए भारत इसे 9000 की रेंज में टेस्ट करेगा, जिससे मिसाइल की तमाम क्षमताओं का वैल्यूएशन किया जा सकेगा। भारत इस मिसाइल के टेस्ट पर कोई अंतर्राष्ट्रीय दबाव न आए, इसके लिए अमेरिका के साथ सेटलमेंट करने में भी लगा हुआ है। अमेरिका इसके लिए राजी इस वजह से हो जाएगा क्योंकि इस मिसाइल के भारत के जखीरे में शामिल होने से सबसे ज्यादा टेंशन चीन को होगी। चीन इस मिसाइल को लेकर यूएन में रो चुका है रोना। भारत की लगातार बढ़ रही क्षमताओं से निकल रहा दम, अग्नि 6 को लेकर भारत की सीक्रेट तैयारियों से चीन इस कदर पागल है कि वो इसे लेकर यूएन में भी रोना रो चुका है, लेकिन फिलहाल किसी के पास इसे लेकर कोई सबूत नहीं है। इसी वजह से इसे लेकर भारत पर कोई दबाव नहीं बन पाया है। अगर भारत की इस मिसाइल को लेकर अमेरिका कोई सवाल खड़े भी करता है तो इसके जवाब में भारत का सीधा सवाल ये होगा कि जब चीन ने इतनी ताकतवर मिसाइल बनाई है तो भारत क्यों नहीं बना सकता है। वहीं पाकिस्तान भी अपनी परमाणु मिसाइलों की ताकत और रेंज बढ़ा रहा है, फिर उस पर बैन क्यों नहीं लगाया जाता है। अग्नि 6 को लेकर भारत लंबे वक्त से प्लानिंग कर रहा है। पहले भारत इस मिसाइल का 2017 में टेस्ट करने वाला था, लेकिन कई वजहों से तब ये तैयार नहीं हो पाई थी। जबकि कई एक्सपर्ट्स का दावा ये भी है कि भारत ने इस मिसाइल का टेस्ट कर लिया है। भारत के सीरीज की मिसाइलों में भी तमाम तकनीकियों का इजाफा कर रहा है। वहीं भारत सूर्य मिसाइल पर भी काम कर रहा है। माना जा रहा है कि सूर्य मिसाइल अग्नि 6 से भी कई गुना घातक होगी, जबकि इसकी रेंज 16,000 किलोमीटर तक हो सकती है। इतनी लंबी दूरी की मिसाइलें जब भारत के जखीरे में शामिल हो जाएंगी तो भारत का जलजला बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा। दुनिया का कोई भी देश भारत के खिलाफ जाने से पहले कई बार सोचेगा, जबकि दुश्मन चीन का दम निकल जाएगा। भारत ऐसी घातक मिसाइलें तैयार करने के साथ साथ अपना ताकतवर डिफेंस सिस्टम भी तैयार कर रहा है, जिससे अगर कभी उस पर इसराइल जैसा हमला हो तो वो उसे आसानी से इंटरसेप्ट कर सके। हालांकि मौजूदा वक्त में भी भारत की डिफेंस तकनीक बहुत हाई है। भारत रूस के S-400 से लेकर पृथ्वी और आकाश डिफेंस सिस्टम का इस्तेमाल कर रहा है। इनकी क्षमताओं में जबरदस्त इजाफा किया गया है। वही भारत हाइपरसोनिक मिसाइलों को नाकाम करने के लिए भी ताकतवर इंटरसेप्टर मिसाइलें तैयार कर रहा है। प्रोजेक्ट कुश के तहत 350 किलोमीटर की रेंज में हर खतरे को नाकाम करने का हथियार तैयार किया जा रहा है, जबकि भारत के जखीरे में जल्द ही हाइपरसोनिक मिसाइलें शामिल होने वाली हैं। भारत एक साथ कई हाइपरसोनिक मिसाइलों के प्रोजेक्ट पर काम कर रहा है। वहीं रूस की मदद से ब्रह्मोस 2 का भी विकास कर रहा है, जिसकी स्पीड 6 से 7 मैक तक होगी। मौजूदा ब्रह्मोस को ही रोकने के लिए चीन पाकिस्तान के पास कोई डिफेंस सिस्टम नहीं है। ऐसे में ब्रह्मोस 2 की एंट्री चीन का कलेजा कंपा देगी। तो दोस्तों, भारत के मिसाइलों के जखीरे में शामिल होने वाले इन भयानक ब्रह्मास्त्रों और अग्नि 6 पर आपका क्या कहना है, कमेंट में जरूर बताएं।